हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHSL के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि क्या सर 1750 की डिप्रेशन ही करने हैं या फिर उससे ज़्यादा जितना दिया रहता है पेपर में उतना करना होता है, और हाफ़ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होता है, और एरर परसेंटेज वगैरह हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और ऑफिशियल जो RTI करके हमने एक टाइपिंग की कॉपी मंगाई है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि क्या गलतियां होती हैं और कैसे एरर परसेंटेज वगैरह आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि CHSL 2018 का जो टाइपिंग टेस्ट है, वो आपको भी पता है कि शेड्यूल किया गया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर वो पोस्टपोन हो गया। तो जो भी आपको समय मिला है, एक तरह से आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, और सबसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनकी अभी टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो वो लोग एकदम जी जान लगा दें, अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इतने दूर आने के बाद अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक्स के कारण अगर आप इसको डिस्क्वालीफाई कर जा रहे हैं तो बहुत ही निराशाजनक बात ही है। तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं हो सकती, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अगर वीडियो की, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक दो बातें इंपॉर्टेंट मैं बता दूं। टाइपिंग करते वक्त जो मिस्टेक्स एस्पिरेंट करते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और इसके अलावा टाइपिंग पैसेज जो होता है, मॉडल पैसेज, वो टेलीग्राम पे 20 मॉडल पैसेज वैसा बना के, 20 या 25 है शायद, ठीक है, वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया गया है। आप उसको प्रिंट करके, ठीक है, प्रिंट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे, और जैसे वहाँ पर दिया जाता है जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे स्किल टेस्ट, डिट्टो वैसा ही पैसेज, मॉडल पैसेज बनाया गया है। तो आप एक बार टेलीग्राम विज़िट ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप आपको दोनों पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको चैनल पर नहीं मिल रहा तो आप ग्रुप में वहाँ पर मैसेज करिए, हम लोग वहाँ पर रीसेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो के लास्ट तक आपको कोई भी डाउट अगर रहे तो आप कमेंट कर लीजिए, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पर भी क्वेश्चन, जो भी सारे क्वेरी है आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी हम लोग अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ अगर दिक्कत हुई तो हम लोग आंसर कर देंगे। तो ये टाइपिंग पैसेज है 2017 का, ठीक है, जो कि RTI के थ्रू हम लोगों ने मंगाया है। और इसमें अगर आप 480 पिक्सल करके देख रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि टोटल की डिप्रेशन कितना है, यहाँ पे 2083 है, ठीक है, 2083 है। और ये LDC PAPS के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिला होगा कि की डिप्रेशन आपको लगभग मतलब सारा करना पड़ता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, 1750 की डिप्रेशन ही आपको करने होते हैं, उससे एक भी अगर आप कम कर रहे हैं तो सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। 1750 से आप ज़्यादा करिए, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो लगभग 8 मिनट में ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 45 के लगभग है तो। बात करें कि इसमें क्या क्या काउंट होता है, जो की डिप्रेशन है उसमें क्या क्या काउंट होता है, उसमें सेमी कॉलम, कॉलम, ठीक है, आपका स्पेस सब कुछ काउंट होता है। और वहाँ पे अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे ही पेपर दे दिया जाता है, ठीक है, जिसको आपको देख के कंप्यूटर में टाइप करना होता है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो लास्ट लेटर दिख रहा है ना, ये इसके बाद आपको स्पेस वगैरह कुछ भी काउंट नहीं करना पड़ता है। वहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे आपका टेस्ट होगा, NIC का सॉफ्टवेयर होता है जिस पे आप लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखते जा रहे हैं, उसके बाद वो लाइन कंप्लीट होते ही सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, सीधे आप दूसरे लाइन में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए तीसरा लाइन कंप्लीट किए, हाँ, अगर पैराग्राफ चेंज हो रहा है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना है। इंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टैब यूज़ करना है, ठीक है, टैब यूज़ करना है। ऐसा एक कीबोर्ड में आपने देखा होगा, बटन होगा, टैब लिखा होगा, तो आपको टैब यूज़ करना है, तो डबल स्पेस के लगभग में यहाँ पे जगह आ जाता है। और उसके बाद आप फिर मतलब जैसे टाइपिंग करते हैं वैसे ही आपको टाइपिंग करनी है। उसके बाद फिर से जब आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है तब आपको इंटर करके वहीं पर नीचे आना है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल आपका
नॉर्मल जैसे आप टाइप करते हैं जो जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं वैसे आपको टाइप करना है। और 1750 की डिप्रेशन अगर आप करते हैं और उसमें गलतियाँ को अगर हम लोग बात कर दें, तो अगर आपकी गलती आपके कैटेगरी के परसेंटेज के हिसाब से उतनी रही या फिर उससे कम रही तो आप क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन हाँ, 1750 से एक भी की डिप्रेशन अगर कम रहा आपका, जितना भी टाइम दिया जाता है टाइम पीरियड, तो आप ऐसे ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और इस कॉपी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल 2083 की डिप्रेशन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और 1750 लगभग यहीं पे हो जा रहा है, ठीक है, 1800 यहाँ पे वाट जहाँ पे लिखा है इस वाट, ठीक है, 1814 यहाँ पे हो जा रहा है। और देखिए इन्होंने कितनी दूर तक लिखा है, कितना की डिप्रेशन इन्होंने लिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने लिखा है यहाँ पे देखिए रियली मैटर्स, ठीक है, रियली मैटर्स तक इन्होंने लिखा है। रियली मैटर्स तक कितना की डिप्रेशन है, तो रियली मैटर्स से आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल की डिप्रेशन है रियली मैटर्स तक, वो है आपका 1829, ठीक है, 1829। अगर आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर 1750 है, ठीक है, तो आप 1825 तक जितना कि इन्होंने किया है उतना तक आप कर सकते हैं, जिससे कि गलती होने के चांसेस ना हो। हो सकता है ऊपर में भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, सेमी कॉलम, बहुत बार ऑटो प्रेस भी हो जाता है कुछ कुछ बटन, जिससे कि गलतियां हो जाती हैं। और कैसे एरर परसेंटेज निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि देखा जा रहा था, बहुत सारे चैनल पे बोला जा रहा था कि 7 गलती करने पे फ़ेल हो जाएंगे, 10 गलती करने पे फ़ेल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इस कॉपी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर टोटल कितनी गलतियाँ हैं, यहाँ पे सर्कल में कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले गलती है ये, उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 16 गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए इनको, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, पास कर गए हैं। और बात करें अगर टाइपिंग एरर की कि क्या परसेंटेज होता है, तो देखिए अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है, ठीक है। जनरल का 7% गलती कर सकते हैं और बाकी कैटेगरी के लिए 10%, ठीक है। इसको ये थोड़ा अभी चेंज हुआ है, इसको लेकर थोड़ा डाउट भी है। हाँ, अगर आप लोग को प्रॉपर मालूम हो तो बताइएगा ज़रूर, लेकिन यही है अभी जो आया है नया अपडेटेड, ठीक है। जनरल के लिए 7% है और बाकी कैटेगरीज के लिए 10%। पहले ये जो परसेंटेज था एरर परसेंटेज, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग था, ठीक है। बात करेंगे अगर एरर परसेंटेज की, तो वो कैसे काउंट करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपको लिखना है, मान लीजिए कि वहाँ पे आपको रीडिंग लिखना था, ठीक है, READING, मान लीजिए रीडिंग आपको लिखना था और आपने यहाँ पे क्या किया, लास्ट में ई लगा दिया, ठीक है, लास्ट में ई लगा दिया। ये आता है आपका हाफ़ मिस्टेक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर मिस्टेक लिखें और यहाँ पे टोटल अगर हम लोग, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इरेज हो गया। देखिए मान लीजिए यहाँ पर रीडिंग बोला गया लिखना, ठीक है, रीडिंग, और वहाँ पे ई लगा दिया है मैंने लास्ट में, ठीक है। तो कोई भी अगर अल्फ़ाबेट हम लोग लगा दे रहे हैं या फिर छोड़ दे रहे हैं तो वो हाफ़ मिस्टेक के अंदर आता है, ठीक है। हाफ़ मिस्टेक क्या होता है और फुल मिस्टेक क्या होता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप लोग ओपन कीजिए और वीडियो को लास्ट में शायद बताया गया है, तो आप चाहें तो स्किप करके भी देख सकते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग लिखना था आपको, लेकिन लास्ट में आपने ई लगा दिया, तो अल्फ़ाबेट टोटल कितना था, टोटल कितना कैरेक्टर था, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैरेक्टर था, ठीक है। और एक यहाँ पे आपने और कर दिया, यानी कि 8, यानी कि मिस्टेक की अगर हम लोग बात करें तो 8 का हाफ़ कितना हो जाता है, हाफ़ मिस्टेक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब एरर परसेंटेज की बात करें तो देखिए वो तो एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है, सभी बता सकते हैं कि क्या इस मतलब इसी तरह से निकाला जाता है। देखिए मिस्टेक टोटल है आपका 4, 1750 अगर आपको करना है, ठीक है, तो उसमें से टोटल कैरेक्टर 7 आप लिख चुके हैं तो उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1743 होगा, ठीक है, 1743 मैं क्लियरली लिख देता हूँ, 4 आपने, 4 आपकी हाफ़ मिस्टेक्स के द्वारा आएगी और 1743 नीचे हो जाएगा और 100 आपका ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीका से एरर परसेंटेज आपका
निकालते हैं, ठीक है। और ये हाफ़ मिस्टेक्स के लिए, फुल मिस्टेक्स के लिए भी ऐसा ही निकाला जाता है, उसका थोड़ा अलग रूल है। और हाफ़ मिस्टेक फुल मिस्टेक वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि 7 गलती कर रहे हैं 10 गलती कर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको टाइपिंग पैसेज भी दिखा दिया, और मॉडल पैसेज जो हमने टेलीग्राम पे अपलोड किया है वो जाइए एक बार चेक कीजिए, ठीक है। अच्छा सा बनाया गया है, उसको प्रिंट करवा के प्रैक्टिस कीजिए अपनी टाइपिंग की, और वो वाली भी वीडियो ज़रूर देखिएगा जो इसको मैंने बोला कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए टाइपिंग करते वक्त, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।